जय गणेश फ्रेंड्स, आई एम देव सोनी फ्रॉम GMS स्टडी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग सम्स की तरफ चैप्टर वन के। ये फ्रेंड्स बोर्ड में आती नहीं है जनरली लॉन्ग सम्स, पर हम लोग फिर भी करेंगे क्योंकि हमारा आगे वाला जो चैप्टर आएगा, सेकेंड चैप्टर दैट इज फाइनल अकाउंट्स, उसमें फ्रेंड्स ये दो जो नए अकाउंट बनते हैं, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही पूरे ये लॉन्ग सम में बेस्ड हैं। फ्रेंड्स ये लॉन्ग सम में फ्रेंड्स हमको वो दो ही अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, इसलिए हमको अभी सीख लेंगे तो फाइनल अकाउंट्स हमारा ईजी हो जाएगा। फ्रेंड्स उसमें हमारे को कोई डिफिकल्टीज आएगी नहीं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाइन्थ सम करेंगे हम लोग, ये जो आप लोग देख सकते हो पेज नंबर पर 32 पे है। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस चैप्टर में दो मेथड होगी, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगी जो, उसमें फ्रेंड्स सिर्फ आपको फिक्स्ड कैपिटल दी हुई होगी, करंट कैपिटल दी हुई होगी नहीं। तो उसमें सिर्फ फ्रेंड्स आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो ही अकाउंट बनेंगे, एक PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स ये दो ही अकाउंट बनते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल में फ्रेंड्स आपको फिक्स्ड कैपिटल भी दी होगी और करंट कैपिटल भी दी हुई होगी। फ्रेंड्स तो उसमें हमारे तीन अकाउंट जो बनेंगे, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स और जो पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा, उसमें फ्रेंड्स सिर्फ पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल ही आएगी, या तो फिर वो एडिशनल कैपिटल कोई लेके आएगा अगर बिजनेस में इन बिटवीन, तो वो ही रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स, और उस अकाउंट में कुछ भी मेंटेन होगा नहीं। और ही और उसका इंटरेस्ट भी जो होगा फिक्स्ड कैपिटल का, वो भी आएगा फ्रेंड्स करंट अकाउंट में। इसलिए हम लोग फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल और एडिशनल कैपिटल अगर वो लाएगा, तो हम लोग वही दो चीज़ें करेंगे मेंटेन, और कुछ उसमें मेंटेन होगा नहीं फ्रेंड्स। और सबसे पहले आपको इसमें, इस चैप्टर में जो भी लोन के एडजस्टमेंट लिखे हैं वो अवॉइड करनी है। लोन के एडजस्टमेंट कोई काम की नहीं होगी फ्रेंड्स इस चैप्टर में। और जो फॉर्मेट रहेगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में तीन चार चीज़ें दी हुई होगी, पहले आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन में लिख देनी है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिया हुआ होगा नेट प्रॉफिट, आपको वो लिख देना है। ऐसे उसके एडजस्टमेंट में तो लास्ट में होगी, पर आपको एंट्री फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट की सबसे पहले करनी है। नेट प्रॉफिट के बाद फ्रेंड्स आपको रिकॉर्ड करना होगा कैपिटल, वो फिक्स्ड कैपिटल और करंट कैपिटल अगर दोनों ही दिए हो, तो आपको सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद करंट कैपिटल। और अगर सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल दी हुई हो, तो एक ही सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल ही करेंगे। और फ्रेंड्स थर्ड नंबर जो चीज़ होगी वो होगी ड्राइंग्स, पहले नेट प्रॉफिट, फिर कैपिटल, फिर ड्राइंग्स, और फिर सारी एडजस्टमेंट करनी होगी। फ्रेंड्स ऐसे हमारा पैटर्न चलेगा सम्स का। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो दो कॉलम बनेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ये बनेगा PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर बनेगा ये नाइन्थ सम कर रहे हैं, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेस्ड वाला नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल बेस्ड वाला सम है। फ्रेंड्स इसमें तीन अकाउंट बनेंगे, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिर इधर बनेगा पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, 60% पेज हमारा जाएगा PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और 40% हम लोग ले लेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में। फ्रेंड्स इसमें कॉलम्स बनेंगे पर्टिकुलर, और दो कॉलम बनेंगे क्योंकि दो पार्टनर दिए हुए गए हैं हमको, इसलिए दो कॉलम बनाएंगे, भद्रेश और हीरल इसमें पार्टनर है, तो भद्रेश हीरल, और इधर भी पर्टिकुलर भद्रेश और हीरल डेबिट क्रेडिट बनाएंगे। फ्रेंड्स फिर पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में भी पर्टिकुलर्स और भद्रेश हीरल का कॉलम, और भद्रेश हीरल का कॉलम और पर्टिकुलर्स। फ्रेंड्स इतना ही बनेगा तीन अकाउंट में। तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको अकाउंट ड्रॉ करके फिर दिखाता हूँ, फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं सम की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको जैसा बोला मैंने वैसे ही अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, 60% PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट और 40% पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट बना लिया पेज पे ऐसे डिवाइड करके, और इधर हमने पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। ये मिनिमम 4-5 लाइन का बना लीजिएगा, इसमें सिर्फ मैंने बोला था फिक्स्ड कैपिटल और एडिशनल कैपिटल वही रिकॉर्ड करेंगे, और इसका कुछ काम रहता नहीं है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले हेडिंग देंगे, तो इसकी हेडिंग होगी PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे जो आपको अभी 12th में अकाउंट्स में सम देखने को मिलेंगे, ये सारे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स फाइनल अकाउंट्स भी होगा फ्रेंड्स, वो भी पार्टनरशिप फर्म का ही होगा, कि दो पार्टनर्स होंगे, तीन पार्टनर्स होंगे, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे होंगे, उनके ऊपर ही सारा बेस्ड होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 12th में जो भी सम्स देखने मिलेंगे वो पार्टनरशिप के ऊपर ही बेस्ड होंगे फ्रेंड्स, पार्ट वन में तो मोस्टली। तो हम लोग इसके हेडिंग देंगे PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म
फॉर ईयर एंडिंग ऑन, आपको सब में देखिए नीचे की साइड दिया होगा कब ईयर एंड हो रहा है, फॉर्म फॉर ईयर एंडिंग ऑन, एंडिंग ऑन हमारा ईयर एंड है जो वो हो रहा है 31/3/17 को, आप लास्ट फोर्थ लाइन देख सकते हैं उनको, उसमें ईयर दिया हुआ है कि हमारा 31/3/17 को ईयर एंड हो रहा है, तो हम लोगों को लिखना है ऑन 31/3/17। फिर फ्रेंड्स इधर डेबिट लिख देना है ऊपर कॉर्नर में और इधर क्रेडिट, और इधर आएगा पर्टिकुलर्स, इधर आएगी अमाउंट, फिर से इधर पर्टिकुलर्स और इधर आएगी फ्रेंड्स अमाउंट। और फ्रेंड्स आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मैं आपको बोर्ड वर्क या बुक वर्क की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वो आप डाउनलोड करके इजीली फिर आप बोर्ड वर्क कॉपी कर सकते हैं या बुक वर्क नोटबुक में आपकी। तो आप फ्रेंड्स अभी सिर्फ सम पे कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा और स्क्रीनशॉट और लेने में भी कोई ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने ही वाला हूँ और वो गारंटेड आपको मिलेगी एट द फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होगा ऑफकोर्स। और फ्रेंड्स मेरे पास एक्स्ट्रा भी जो नोट्स और होगी थियरी और की, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पर फ्रेंड्स वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके वीडियो के रिलेटेड में जो भी वर्क होगा वो मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, और जो भी इसका होगा वो एक्स्ट्रा मेरे पास नोट्स और है थियरी की, तो वो मैं उसकी फ्रेंड्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उधर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अबाउट सेक्शन में भी लिंक दिख जाएगी, जीएमएचएस स्टडी नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उधर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग इधर डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट लिख दिया है। अब फ्रेंड्स हमको क्या है, हर एंट्री के लिए टू और बाय अलग अलग लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, अपने एक बार लिखेंगे और कॉमा कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि सब एंट्री में ये एप्लीकेबल होगा ही होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता है इसमें टू और बाय सब में लिखने में, आप किसी में भूल भी जाओ, इससे अच्छा एक बार लिख के कॉमा कर दीजिएगा तो वो चलता है फ्रेंड्स ये फॉर्म। और फिर फ्रेंड्स जो हम लोग ये बनाया हमने पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, फ्रेंड्स इसमें क्या है, असली में तो क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में साथ में डेट और भी होती है फ्रेंड्स, पर हम लोग हमको टेक्स्ट बुक में जैसा कि दिया है हमको इस बार 12th में इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट और मेंटेन नहीं करनी होगी, तो इसमें हमको ये हेडिंग भी इतनी बड़ी नहीं होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसमें था, फॉर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ईयर एंडिंग ऑन सब लिखा था, पर इसमें फ्रेंड्स हमको सिर्फ लिखना है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। हाँ फ्रेंड्स और कुछ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट लिख देना है फ्रेंड्स, इसमें पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। और फ्रेंड्स इधर वैसे ही सेम डेबिट पर्टिकुलर्स और इधर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे फ्रेंड्स, दोनों कॉलम में क्या है पार्टनर्स के नाम, भद्रेश और हीरल, भद्रेश और हीरल, और इसी साइड ये क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर्स, क्रेडिट लिख देता हूं मैं ऊपर कॉर्नर पे, भद्रेश और हीरल, हीरल इधर भी टू और बाय लिख देता हूँ फिर से सेम टू बाय, और इधर ये भी फ्रेंड सेम मैंने पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट का जो भी बताया वही इसी पे भी एप्लीकेबल होगा, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे सेम पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इधर भी मैं लिख देता हूँ डेबिट पर्टिकुलर्स, सेम आएगा इसमें भी पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे दोनों कॉलम में, भद्रेश और हीरल, भद्रेश और हीरल, और ये क्रेडिट साइड सेम पर्टिकुलर्स, क्रेडिट और भद्रेश हीरल, भद्रेश हीरल, और टू और बाय का फ्रेंड्स हम लोग सेम लिख देंगे जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, टू और बाय एक एक बार लिखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा हमारा फॉर्मेट है इस सम का वो हमने प्रिपेयर कर लिया है, अब हम लोग एंट्रीज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था नेट प्रॉफिट का हमको जो एडजस्टमेंट होगा वो सबसे पहले हमको रिकॉर्ड कर लेना है, तो हम लोग देखते हैं सम में फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो आपको जनरली नेट प्रॉफिट जो होगा वो एंड ऑफ द सम में दिया हुआ होगा फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि देख सकते हैं लास्ट थर्ड लाइन देखिए सम की, बिफोर लास्ट फोर्थ, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 ऑफ द फर्म वॉज 4,06,800 फ्रेंड्स। जो नेट प्रॉफिट होगा वो ऐसे भी हम लोग फाइनल अकाउंट में भी पीएनएल
अकाउंट में से हम लोग जो फाइंड होगा हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि फ्रेंड्स फाइनल अकाउंट में भी पांच अकाउंट्स होंगे जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब ये जो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये थर्ड और फोर्थ नंबर के अकाउंट्स हैं किसके, फाइनल अकाउंट्स के। तो जो फ्रेंड्स हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पीएनएल अकाउंट में से मिला होगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट हमको डेबिट साइड मिलता है तो वो हम लोग इसमें ट्रांसफर करके लाएंगे क्रेडिट साइड। तो हम लोग फ्रेंड्स इधर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, इधर हमको नेट प्रॉफिट दिया है इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर नेट लॉस होता तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, पर फ्रेंड्स हमको नेट लॉस किसी भी समय दिया हुआ नहीं है। तो नेट प्रॉफिट हमको दिया है 4,06,800, तो हम लोग इसकी सिंपल इफेक्ट दे देंगे, एक ही इफेक्ट होगी 4,06,800। फिर फ्रेंड्स हमको कैपिटल रिकॉर्ड करना है, इसमें दोनों ही कैपिटल दिए हुए होंगे आपको, फिक्स्ड कैपिटल और करंट कैपिटल। तो हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल देखते हैं कितनी है, तो आप फर्स्ट सेकेंड लाइन्स रीड करिए, पोजीशन एंड डिटेल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। मतलब उनको पी एन एल रेशियो कितना दिया हुआ है, इधर पी एन एल रेशियो इधर मैं लिखता हूँ, पी एन एल इज इक्वल टू 3:2। और आपको देखिए नीचे कैपिटल रेशियो भी दिया हुआ है, हाँ कितना दिया हुआ है कैपिटल रेशियो दिया होगा सेकंड लाइन में, देखिए द प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स कैपिटल इज 4:3, तो वो कैपिटल रेशियो कितना हुआ 4:3, कैपिटल रेशियो है 4:3। और टोटल कैपिटल आपको दे दी है फर्म की, कैपिटल है जो फर्म की टोटल वो है 4,20,000। तो फ्रेंड्स जो कैपिटल होगी वो हम लोग कैपिटल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो हमको कैपिटल मिल जाएगी। तो हम लोग भद्रेश की करते हैं, आप भद्रेश की होगी 4,20,000, ये दोनों के शेयर है भद्रेश और हीरल के, 4,20,000 इंटू भद्रेश का जो है कैपिटल रेशियो वो है 4 और इनका एडिशन होगा डिनोमिनेटर में 7, तो इंटू 4/7 हो जाएगा, तो हमको भद्रेश की कैपिटल मिलती है। हम लोग देखते हैं करके इसको, 4,20,000 इंटू 4/7 कितना आता है 2,40,000। तो फ्रेंड्स भद्रेश लाएगा कैपिटल 2,40,000 रुपीज़ की। अब ऐसे हम लोग हीरल का भी फाइंड कर लेते हैं, हीरल की अमाउंट है 4,20,000, टोटल जो हमारा कैपिटल है फर्म का 4,20,000 इंटू उसका शेयर है जो 3/7, तो हम लोग इसका भी आ जाएगा, हम लोग इसका भी करके देखते हैं 4,20,000 इंटू 3/7, ये आ रहा है 1,80,000 रुपीस फ्रेंड्स। तो ये हमको क्या मिला है, पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल मिला है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीएफ, क्योंकि फ्रेंड्स ये लेजर पोस्टिंग है और पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट ही हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो कैपिटल ही लेके आएंगे, तो हम लोग कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन हम लोग लिख सकते हैं, बीडी या बीएफ। तो हमारे को भद्रेश का मिला है 2,40,000 और हीरल का मिला है 1,80,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये दोनों हमने पहले जो थे नेट प्रॉफिट और कैपिटल, अभी करंट कैपिटल बाकी है, फिर ये दोनों पॉइंट्स होंगे जो वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अभी आप लोग करंट कैपिटल दिए देखिए, आपको दिया हुआ होगा सम में, हाँ वो हमने कैपिटल रेशियो दिया है 4:3, उसके बाद से देखिए ऑन दिस डे बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स आर एज फॉलोस, भद्रेश 36,000 क्रेडिट, हीरल 24,000 डेबिट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जिसकी अमाउंट क्रेडिट साइड दी हुई होगी आपको उसको क्रेडिट में लिखना है, और जिसकी अमाउंट आपको डेबिट में दी हुई होगी उसको आपको डेबिट साइड लिखना है फ्रेंड्स। तो किसकी क्रेडिट में दी हुई है, भद्रेश की क्रेडिट में दी हुई है, तो हम लोग पार्टनर्स करंट कैपिटल है तो करंट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीएफ, क्रेडिट में हमको दी हुई है, ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में हमको किसकी दी हुई है, भद्रेश की, तो भद्रेश के हम लोग लिख देंगे 36,000, हीरल में आ जाएगा डैश। फिर हम लोग को डेबिट में दी हुई है हीरल की, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे बैलेंस बीएफ और भद्रेश में डैश, और हीरल की कितनी दी हुई है 24,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो ये दो पॉइंट्स है, तो नेट प्रॉफिट और कैपिटल हमने इनकी एंट्रीज कर ली है। अब हम लोग देखते हैं सम में ड्रॉइंग्स कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, तो आप वो सेकेंड पैराग्राफ रीड करिए, सेकेंड पैराग्राफ उसमें आपको दिया है ऑन 1/10/16 भद्रेश हैज विड्रॉन 36,000 एज
एंड ऑन 1/1/2017 हीरल हैज विड्रॉन 48,000। ये जो अभी भी पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो वो एक टाइप की उनकी ड्रॉइंग ही होती है, वो कैश विड्रॉ करते हैं या गुड विड्रॉ करते हैं, ये उनके लिए ड्रॉइंग्स ही हुआ फ्रेंड्स। तो ड्रॉइंग्स जो है बाकी सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड आएंगी। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उनका फिक्स कैपिटल और एडिशनल कैपिटल अगर वो लाते हैं तो वही आएगी, और कुछ भी हम लोग उसमें रिकॉर्ड करेंगे नहीं फ्रेंड्स। तो ड्रॉइंग्स जो है वो हमारा पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा बाय टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट भद्रेश ने कितने विड्रॉ किए थे? 36,000 रुपीज़। और फ्रेंड्स उसने डेट भी दी हुई है हमको कि इस डेट को उसने विड्रॉ की, तो कौन से डेट को उसने विड्रॉ किए? 1/10 मतलब 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किए। तो आप नीचे ये एक ब्रैकेट में डेट एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब इंटरेस्ट निकालेंगे तब हमको डेट काम में आएगी फ्रेंड्स। फिर हमको हीरल का कितना दिया हुआ है? हीरल के दिए हुए 48,000, और वो कब विड्रॉ कर रही है? 1/1/17 को मतलब 1 जनवरी को वो विड्रॉ करेगी 17 को। तो हम लोगों को फ्रेंड्स ये हमने तीनों पॉइंट है वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इस आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये सिंपली हमने इफेक्ट दे दी सबकी। अब हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। हमको दिया हुआ है आप फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन से देखिए, एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो 12% हमको इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को कैपिटल पे। तो कैपिटल लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स वो फिक्स्ड कैपिटल ही होगी। जब भी आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हो तो वह फ्रेंड्स फिक्स्ड कैपिटल पे फाइंड करना होगा फ्रेंड्स हमको इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स जो कैपिटल लेते आते हैं फर्म में तो उसका इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करती है, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ और पार्टनर के लिए इनकम हुआ फ्रेंड्स। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ तो हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे फ्रेंड्स। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स ऑफ द फर्म आर विल बी क्रेडिटेड। तो हम लोग इधर लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ऐसा करके हम लोग नीचे बी और एच दोनों की अमाउंट हमको क्योंकि फाइंड करनी है इसलिए हम लोग लिख देंगे। फिर इनका जो टोटल होगा वो आउटर कॉलम में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो पहले भद्रेश का हमको कैपिटल है 2,40,000, इस पे 12% निकालेंगे तो आएगा 28,800 रुपीज़ फ्रेंड्स। हम लोग 28,800 लिखेंगे। फिर ऐसे हीरियल का भी निकालेंगे 1,80,000 × 12% ये आएगा 21,600 फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे और वो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 21,600 + 28,800 आएगा हमारा 50,400 रुपीज़ फ्रेंड्स, ये आ गया है। और जो भी फ्रेंड्स हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसकी क्रॉस इफेक्ट आ जाएगी कि इसमें पार्टनर्स करंट या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। तो हमको अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम हो तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस इफेक्ट आएगी, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो क्रॉस इफेक्ट करंट कैपिटल में आएगी फ्रेंड्स। तो हमारा इनकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया, डेबिट किया फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम हुई। मैंने जैसा कि आपको बताया इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होता है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऑल इनकम्स आर बीन क्रेडिटेड। तो हम लोग इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि हमको इधर करंट कैपिटल भी दिया हुआ है तो हम लोग इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 28,800 और इसका है 21,600। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई होगी। हम आप लोग दूसरे एडजस्टमेंट भी डिस्कस करके देखते हैं। फिर क्या दिया है? प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट। 10% इंटरेस्ट हमको निकालना है किस पे? करंट अकाउंट पे निकालना है फ्रेंड्स। तो करंट अकाउंट का भी सेम ही होगा, पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल तो उसका इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है फ्रेंड्स। तो जिस पार्टनर का हमको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आएगा फ्रेंड्स डेबिट साइड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जिसका अमाउंट हमको डेबिट साइड दिया हुआ है उसका आएगा क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ये फ्रेंड्स याद रखना है कि सबकी क्रॉस इफेक्ट ही होती है ऐसे, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो वो पार्टनर्स करंट या फिक्स्ड कैपिटल में डेबिट तो होगा ही नहीं फ्रेंड्स कभी भी। इसलिए हमको पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भद्रेश का इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल, और आप ब्रैकेट में पार्टनर का भी नाम लिख सकते हैं, तो मैंने भद्रेश लिख दिया। 36,000 का हम लोग 10% करेंगे तो ये आएगा 3600 फ्रेंड्स।
तो ये 3600 ब्रदरेश का आ गया है। और हम लोग जब अभी हीरल का निकालेंगे, इसका डेबिट साइड है तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इधर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल और ब्रैकेट में आ जाएगा हीरल। हीरल का कितना आएगा 48,000, 24,000 वो लेके आई तो उस पर 10% निकालेंगे तो 2400 उसका इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल आ गया। फिर फ्रेंड्स इन दोनों की क्रॉस इफेक्ट देंगे हम लोग पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में। आपको बस यही याद रखना है, आप जब भी इंटरेस्ट निकालो तो सबसे पहले आप उन लोगों को इंटरेस्ट ड्राइंग्स का हो या करंट कैपिटल का हो या फिक्स्ड कैपिटल का हो या किसी की भी इफेक्ट हो, सैलरी कमीशन बोनस, तो सबसे पहले उन सबकी इफेक्ट आपको PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देनी है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आपको पार्टनर्स करंट कैपिटल या फिक्स कैपिटल में देनी होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल भाव बद्रेश का 3600 जो डेबिट में आया था वो इधर क्रेडिट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल भद्रेश के कॉलम में 3600, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट कैपिटल हमने निकाला था हीरल का वो डेबिट था तो वो आ जाएगा डेबिट साइड, ये 2400 है फ्रेंड्स। तो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल भद्रेश में डैश और हीरल में 2400। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। फिर हमको दिया है पर एनम 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब हमको ड्रॉइंग्स पे निकालना है इंटरेस्ट। तो ये जैसा कि पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स डेबिटेड है तो ये PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों होगी ये क्रेडिट? क्योंकि पार्टनर के लिए ड्रॉइंग्स होती है वो एक्सपेंस है, मतलब इसका इंटरेस्ट जो भी होगा वो पार्टनर पे करेगा किसको, फर्म को। तो वो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो PNL अप्रोप्रिएशन जो फर्म का अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा, मतलब वो फर्म को मिल रहा है, और पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी हम लोग ऐसे कैपिटल की तरह बी और एच का निकालेंगे कितना कितना दिया हुआ है। तो 12% निकालना है तो 36,000 इंटू 12% करेंगे तो 4320 आएगा। पर फ्रेंड्स ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो नहीं है क्योंकि भद्रेश ने तो 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए थे पैसे, तो वो पूरे साल के थोड़ी ना भरेगा पैसे। 12% तो हमने वो पर एनम इंटरेस्ट निकाला है, तो पर वो प्रपोर्शनेट में करेगा पे कि हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 मंथ हुए। तो मतलब ये हाफ अमाउंट ही पे करेगा। 6/12 इज इक्वल टू 1/2, तो इंटू आप लोग इसको 6/12 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा भद्रेश का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या है 2160 रुपीज़। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग अब हीरल का निकालते हैं। 48,000 इंटू 12% इंटू 5760 आया अमाउंट, और इसने कब किया था? 1 जनवरी को विड्रॉ किया, मतलब इसको जनवरी, फरवरी और मार्च, ईयर तो एंडिंग 31 मार्च को ही होगा, इसलिए इसको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग करेंगे इंटू थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व करेंगे तो 1440 अमाउंट आ रही है, 1440 रुपीज़। तो इन दोनों का प्लस करके हम अभी आउटर कॉलम में लिख देंगे 21,160 और 3,600। अब इसकी भी क्रॉस इफेक्ट इधर आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भद्रेश की कितनी दी हुई आपको 2,160, और हीरल की दी हुई है 1,440 रुपीज़। तो आइयो फ्रेंड्स आपको ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है हमको सम में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बाद दिया हुआ है 2,400 पर मंथ एज ए सैलरी आर पेबल टू भद्रेश फॉर हिज एक्टिव रोल इन द पार्टनर। तो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है, जो भी एक्टिव पार्टनर होता है किसी ना किसी को फर्म कमीशन बोनस या सैलरी देती है। क्योंकि अगर दो पार्टनर हो फर्म में और इन दोनों के बीच में डिसाइड किया हुआ हो कि तू जाएगा फर्म में को संभालने, सिर्फ मैं कैपिटल दूंगी, मतलब अभी आप सपोज कीजिए कि भद्रेश और हीरल है जो ये दोनों पार्टनर्स हैं फ्रेंड्स फॉर्म में, तो इन दोनों ने डिसाइड किया होगा, हीरल ने बोला होगा कि कैपिटल आई फॉर्म की 1,00,000 से वो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो भद्रेश बोलेगा मैं 30,000 निकालता हूँ और तू 70,000 निकाल, मतलब कोई भी प्रपोर्शन में वो लोग निकाल रहे हैं पैसे। तो इन 30 और 70 मिला के इन दोनों ने 1,00,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। फिर हीरल बोलेगी मैं 70 तो दे दूंगी पर मैं सिर्फ फॉर्म में आऊंगी नहीं, सब तेरे को ही संभालना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा भी शेयर होगा, पर तेरे को ही सारा जो मैनेजमेंट हो रहा है वो सब तेरे को करना होगा फॉर्म में।
तो बद्रेश बोलेगा कि मैं करूँ तो मेरा टाइम वेस्ट तो होगा ही, अभी वो हीरल और भी कोई अपना साइड में सब्सिडरी काम्स भी कर सकती है। तो वो बद्रेश बोलेगा कि मैं पूरा काम और कर रहा हूँ तो मेरे को उसकी सैलरी भी मिलनी चाहिए। इसलिए जो एक्टिव पार्टनर होगा उसको सैलरी, कमीशन या बोनस, ऐसे तीन चार चीज़ें होगी, इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा ही फ्रेंड्स। तो इधर बद्रेश क्या एक्टिव पार्टनर है, उसको 2400 पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये ईयरली हम लोग इसको इंटू 12 करेंगे तो हमको ईयरली सैलरी जो बद्रेश को पेएबल होगी वो मिल जाएगी। तो हम लोग 2400 को इंटू 12 करके देखते हैं, तो ये आया सैलरी आई 28,800 फ्रेंड्स। तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस ही हुआ। तो हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे सैलरी, और ब्रैकेट में आप लोग पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा, मैं बी लिख देता हूँ 28,800। और ये पार्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर के लिए क्या है वो इनकम। तो बस इधर हम लोग पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में सैलरी क्रेडिट साइड लिख देंगे बद्रेश के कॉलम में 28,800 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं सब में और क्या दिया हुआ है। हमने सैलरी तक कर लिया, फिर ड्राइंग्स भी कर लिया, फिर हमको दिया हुआ है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल टू हीरल फ्रॉम न्यू प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच इज शेयर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने शॉर्ट सम में भी आफ्टर डिडक्शन वाली पॉइंट डिस्कस की थी, जब भी आफ्टर डिडक्शन दिया हुआ हो तो कमीशन की फॉर्मूला होगी कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100+%। ये जो है वो कमीशन की फॉर्मूला होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी इसको कमीशन निकालना है, पर किस पे? प्रॉफिट पे निकालना है फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट या लॉस हमको पहले वो फाइंड करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है क्योंकि 4 लाख की अमाउंट है, इधर कोई इतनी बड़ी अमाउंट है नहीं। तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जब डेबिट साइड, तो हमको फ्रेंड्स प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट फाइंड करके देखता हूँ मैं। 4,06,800 प्लस 2400 प्लस 3,600, तो ये आ रहा है 4,12,800 फ्रेंड्स। तो हम लोग ये टोटल में लिख देंगे 4,12,800, दोनों साइड जिसका टोटल बड़ा है वो लिखना होता है। उसमें ऐसे हम लोग ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे 50,400, 3,600 और 28,800। तो फ्रेंड्स हमको मिल रहा है प्रॉफिट 3,30,000। पर फ्रेंड्स ये 3,30,000 जो मिल रहा है प्रॉफिट, वो हमको डायरेक्टली इधर नहीं लिखना होगा। वो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में इधर वर्किंग नोट्स होगी, आपकी वर्किंग नोट्स में लिखना होगा वर्किंग में हमको प्रॉफिट कितना मिला, 3,30,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट पे हमको देना है कमीशन, किसको देना है कमीशन, आपको दिया होगा सम में पेबल टू हीरल को कमीशन देना है इस पे। बट आफ्टर डिडक्शन वाली पॉइंट है तो हम लोग सेम करेंगे, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100+10 अपॉन 100+10। मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल टू कमीशन हो जाएगी 3,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। ये हमको ये अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे, पहले हम लोग ये अमाउंट फाइंड करते हैं कि आ रहा है 3,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। तो फ्रेंड्स ये अमाउंट आ रही है 30,000। तो ये क्या हुआ, कमीशन हुआ जो हमको हीरल को पे करना है। 30,000 हमको कमीशन मिल चुका है हीरल को पे करने के लिए। तो ये जब माइनस करेंगे 3,30,000 में से 30,000, तो हमको मिल रही है रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख। अब ये अमाउंट जो आई है फ्रेंड्स 3 लाख, आफ्टर ये कमीशन डिडक्ट करने के बाद इसको बोलेंगे हम डीपी, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। हमको ये मिल जाए, ये मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट जो हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके पीएनएल रेशियो में फ्रेंड्स। तो हमको पहले, सबसे पहले हमने उसको कमीशन देना है हीरल को, तो हम लोग कमीशन, ये भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस हुआ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा कमीशन 10%। तो हमको लिखना नहीं है, ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा पार्टनर का नाम, हीरल को हम लोग दे रहे हैं 30,000 और उसके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि उसके लिए इनकम है। तो हम लोग लिख देंगे कमीशन हीरल के कॉलम में 30,000। फिर हमको बस ये हो गया, फिर हमको 3 लाख बचा, वो डिविजिबल प्रॉफिट था वो, तो हम लोग अभी वो इधर लिख देंगे 3 लाख। ये क्या है हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट, मैं इधर लिख देता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। ये हमको डिविजिबल प्रॉफिट मिल चुका है फ्रेंड्स 3 लाख। अब ये जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बद्रेश और हीरल में, कौन से पीएनएल रेशियो में। हमको पीएनएल रेशियो इधर कितना दिया है 3:2,
मतलब ये 3:2 के रेशियो में 3 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे, जब 3 / 5 इनका टोटल 1,80,000 और 3 × 2/5 1,20,000 फ्रेंड्स। तो ये दोनों, इन दोनों को मिलेगा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रेंड्स। तो अभी ये प्रॉफिट जो होगा ये भी फिर से इनकम ही हुई इनके लिए, पार्टनर्स के लिए, तो ये इधर से इधर क्रॉस इफेक्ट ही होगी फ्रेंड्स। आपको सब में ये ध्यान रखना है ज्यादातर, तो क्रॉस इफेक्ट होगी तो हम लोग इधर लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अगर लॉस आता तो वो हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते फ्रेंड्स। तो ये भद्रेश का है 1,80,000 और हीरल का है 1,20,000 रुपीज़ फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसका बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस ईएफ जो हम लोग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन भी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसका टोटल बड़ा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें भद्रेश का तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा लग रहा है और हीरल का भी क्रेडिट साइड का ही टोटल बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये दो बड़ी अमाउंट्स है। तो हम लोग फ्रेंड्स पहले क्रेडिट साइड का टोटल करके जिस तो दोनों का टोटल सेम लिखेंगे और फिर इसमें से ये माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की टोटल में से ये अमाउंट, तो हमको बैलेंस ये मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग करके देखते हैं 36,000 प्लस 28,800 प्लस 3600 प्लस 28,800 प्लस 1,80,000, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 2,77,200। तो ये दोनों साइड में हम लोग सेम लिख देंगे 2,77,200। अब इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, जब 36,000 और 2,160 रुपीज़, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 2,39,440 रुपीज़, 2,39,040 रुपीज़ फ्रेंड्स। ये तो हमको बैलेंस पीएफ मिल गया, सीएफ मिल गया कैरिड फॉरवर्ड भद्रेश का। तो हम लोग ऐसे ईरल का भी फाइंड करते हैं, 21,600 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है 1,71,600। उसमें से ये दो, ये चारों अमाउंट माइनस करके देखते हैं इसका बैलेंस कितना मिलता है मेरे फ्रेंड्स। 24,000 प्लस माइनस 48,000 माइनस 2,400 माइनस 1,440, तो ये फ्रेंड्स आ रहा है 95,760 रुपीज़, और इसका टोटल तो यही होगा 1,71,600 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो है वो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, मतलब बैलेंस जो हम लोग आगे लेके जाएंगे वो मिल गया है, पर इसमें हमको और कहीं पे बैलेंस लेके नहीं जाना है, सिर्फ इसमें हमको बैलेंस ही फाइंड करना होगा। तो बस इतना ही होगा और इसका भी हम लोग बैलेंस ये जो है निकाल लेते हैं। इधर तो कोई अमाउंट है नहीं, तो इसका ही टोटल मतलब बड़ा होगा 2,40,000 1,80,000। इधर बैलेंस ये आ जाएगा, सेम ही अमाउंट आएगी क्योंकि कुछ भी है नहीं डेबिट साइड, 2,40,000 1,80,000, और इधर भी टोटल सेम 2,40,000 और 1,80,000। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा सम कंप्लीट होता है, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और आपको ध्यान रखना है कि लोन की अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो वो अवॉइड ही करनी है, क्योंकि लोन की एडजस्टमेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नहीं फ्रेंड्स। तो ये हमारा, आई होप आपको ये सम क्लियर हुआ होगा, आप पीछे से भी आंसर चेक करके टैली कर सकते हैं। 9th सम हमने सॉल्व किया। आप अब आपको इसके पूरे बुक वर्क की मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। और पासवर्ड जो है हमारा वो GMHS आपको बताइए, जैसे कि स्मॉल लेटर्स में GMHS लिखना है, तो वो आपको PDF एक्सेस हो जाएगी। और फ्रेंड्स अब हम लोग एक 10th सम भी और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो 10th सम भी करेंगे फ्रेंड्स। बस ये दो ही सम करेंगे सिर्फ, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। मैं किसी भी चीज़ को भगाना नहीं चाहता हूँ, आराम से हम लोग करेंगे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द, इसलिए हम लोग आराम से करेंगे। पर दो सम मैं आपको करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको फाइनल अकाउंट्स में कोई ज़्यादा डाउट ना रहे फ्रेंड्स। तो हम लोग मिल देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में 10th सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।